In Srinagar, all non-local students are leaving the NIT Institute amid the rising tensions following a campus protest. Now, Jammu and Kashmir police escorted vehicles which were carrying non-locals as students. The students left the NIT Srinagar 2 days after the institute announced the winter break. Now, this comes after a non-local student's objectionable social media post triggered unrest, resulting in his suspension and a police FIR. Now, subsequently, widespread protests erupted across colleges and universities in Kashmir, demanding the accused's arrest. Now, Jammu and Kashmir police has identified six individuals for spreading false and provocative statements on social media. Now, several social media handles are under the scanner for attempting to fuel the student protests. गैर स्थानीय छात्र द्वारा सोशल मीडिया पर अपमानित जनक पोस्ट शेयर करने के बाद एनआईटी श्रीनगर को बंद कर दिया गया है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको दिखा सकते हैं कि सुरक्षा भी एनआईटी श्रीनगर के बाहर बढ़ा दी गई है। आज सुबह भी और कल देर शाम भी जो एनआईटी श्रीनगर में गैर रियासती छात्र है वो एनआईटी श्रीनगर को छोड़कर चले गए हैं। एनआईटी श्रीनगर ने ये जो विंटर वकेशंस है वो घोषित कर दी है, क्योंकि जो अपमानित जनक पोस्ट था उसके बाद लगातार एनआईटी श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे और एनआईटी के साथ साथ जो बाकी कॉलेजेस है कश्मीर घाटी के अंदर उसमें भी इस तरह के पोस्ट जो है प्रोटेस्ट और प्रदर्शन देखने को मिले। कल कश्मीर यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में भी प्रोटेस्ट हुए। उसके बाद स्थिति को समझने के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि जो कश्मीर घाटी के कॉलेज है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे और फिलहाल एनआईटी श्रीनगर में जो है विंटर घोषित कर दी गई है। उसके बाद तमाम छात्रों को जो है एनआईटी छोड़ने के लिए कहा गया है। एनआईटी ने अपनी मेस सर्विसेज बंद कर दी गई है। यहाँ आप पूरे गेट के सामने देख सकते हैं कि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई है। ऐसे 6 लोगों को फिलहाल जो है आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो सोशल मीडिया के जरिए अपमानित जन कंटेंट शेयर कर रहे थे और इस पूरे मसले को इस पूरे स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और स्टूडेंट्स के जरिए कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे थे।